सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और वी आर गोइंग टू जबलपुर वापस से ट्रिप पर, लेकिन इस बार सर फैमिली के साथ नहीं। पीछे खड़ी है हमारी वो लंबी सी बड़ी सी बस, कांगई हाँ ये रही, ये हमारी बस है। ये सब जा रहा है, यहाँ पे सब मूतने जा रहे हैं, मूतने। जब वी आर इन द बस गाइस, और यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है जबलपुर का बचा हुआ। हे गाइस, जबलपुर पहुंच गए और अभी हम कौन से जैन मंदिर में रे, कोई से है पिसनहारी की मड़िया, जबलपुर जैन मंदिर हम पहुंच गए हैं। वहाँ बिल्कुल उसी के सामने बस रोकी गई है। अब यहाँ से देखते हैं मंदिर कैसा है। गाइस, डू यू वांट टू सी हैप्पीनेस? हैप्पीनेस ये होती है, देखो किसी जैन को उनके जैन का मंदिर मिल जाना, इसको हैप्पीनेस कहते हैं। इतने खुश हैं, सबसे पहले बस से कूदे थे, सोते सोते जैन मंदिर आ, जैन मंदिर, ऐसे उठे थे। मंदिर का नाम है मड़िया जी। मड़िया जी नहीं है, मड़िया जी तीर्थस्थल का नाम। क्या बताया था उनने? अभी उनने कुछ और बताया था, अभी पिसनहारी की मड़िया जबलपुर। अब हम आ गए भाई, हम लोग अभी आ गए मंदिर में, और अभी मंदिर घूमने आए हैं। उसके बाद हमारा शाम को शो है, तो अभी 1.5 घंटा था, तो हम लोगों ने परमिशन ली और हमने सोचा कि पूरा मंदिर वंदिर घूम लें, कैसा क्या है ये पूरा मंदिर। गाइस, इतना सुंदर मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा जेन्युइनली। क्या अंदर से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इस मंदिर का यार, ये देखो पीछे से पूरा ऐसा होलोग्राम जैसा लग रहा है वहाँ ऊपर का। और यहाँ ऐसे विस्पर करके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा भी तेज़ बोल रहे हैं तो गूंज रही है आवाज़। हमारे हैं पुष्पा पुष्पराज, नाम तो सुना ही होगा, झुकेगा नहीं। हाँ ये तो रेस लग रही है, अबे बंदर इतनी तेज क्यों भाग रहा है। ओ भाई, इतना दर्द तो जिम में लेग्स करके भी नहीं होता। बस थोड़ी सी देर में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी देर? क्या व्यू है यार, पसीना वर्थ इट है। सब्सक्राइब युवराज डायरीज। वाह यार बेटा यार, लोगों को लगता है मैंने इन्हें पैसे दिए हैं। जबलपुर सिटी, जन्नत जुबे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। जब मत कह रहा है जन्नत जुबेर, कह रहा है पीछे देखकर जन्नत जुबेर। पहुंच गए गाइस, बस एक सीढ़ी और। ड्राइव पूरा पीछे जबलपुर, और जबलपुर की एक पहाड़ी पे मैं आ गया हूँ जैन मंदिर में। और क्या व्यू है यार, जेन्युइनली क्या व्यू है। धूप लग रही है चेहरे पे बहुत ज़्यादा, बट क्या व्यू है यार। ओह माय गॉड, बाबा रे बाबा। गाइस, इस मंदिर की सबसे प्रीशियस थिंग यही है कि यहाँ पे पीस, मतलब जो एक बोलते हैं ना जेन्युइनली जो पीस होता है एक, वो यहाँ पे मतलब आप फील कर सकते हो। यहाँ पीस है, यहाँ पे मतलब लोग मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई से रहते हैं। पूरी जगह रूल्स लिखे हुए हैं कि कुछ कुछ जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं है, कुछ कुछ जगह पे आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं बना सकते, और मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कुछ कुछ जगह पे। बट एक जो यहाँ पे वाइब है ना, वाइब, प्रॉपर वाइब जिसको कहा जाता है, वो बहुत अच्छी है। मतलब गाइस, मैम का फ़ोन आ गया, सिर्फ 15 मिनट बचे, हम भाग रहे हैं। पंद्रह मिनट ही तो बचे हैं। गाइस, हम पहुँच गए अब नीचे, और दुनिया मेरे पीछे। अच्छा, और दुनिया मेरे पीछे। अब थोड़ी देर करेंगे आराम, क्योंकि हम थोड़ा बिफोर टाइम पहुँच गए, 15-20 मिनट है, आराम करेंगे थोड़ी देर, और फ्रेश होके फिर शाम को निकल जाएंगे हम। हमारा
शो के लिए शाम को। क्यों अपना शो कितने बजे? 6:30 पाँच साढ़े पाँच छः तक है शो। तो हे गाइस, देन विद अवर शो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी और का शो चल रहा है अभी। गाइस, पुलिस वाले अंकल से हमने पूछ लिया था, धुआंधार वाटरफॉल खुला हुआ है, रात में हम आ सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम धुआंधार वाटरफॉल पहुँचने वाले हैं। बहुत मिर्ची वाले चने खा लिए, सॉरी भेल। नर्मदा जयंती है ना आज, इनको तो पुलिस हमेशा पकड़ती है। ओ भाई, गाइस ये क्या देख लिया मैंने, क्या देख लिया, ओह माय गॉड, पूरे धुआं ही धुआं दिख रहा है पूरे में आसपास। जा देख के भाई, भाई क्या देख लिया, गाइस ये तो कुछ अलग ही चीज देख ली भाई, कुछ अलग ही चीज देख ली मैंने। मैं आई एम सो एक्साइटेड, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। बाबा रे बनाते बनाते रील भी नहीं बनानी, मुझे बस एंजॉय करना है ये। ओह माय गॉड गाइस, जितने भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है यार। मैंने ये अपनी लाइफ में सेकंड टाइम एक्सपीरियंस किया है, बट जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था उससे ज़्यादा मज़ा आ जा रहा है, क्योंकि रात में कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है यार। उस टाइम मैंने धूप में देखा था, रात में पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे कैमरे में भी पानी पानी हो रहा है बार बार। एक दिन में, मतलब एक दिन में मैंने जैन मंदिर भी घूम लिया सुबह सुबह, और यहाँ पे ये धुआंधार वाटरफॉल्स देखकर ओह माय गॉड यार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक नंबर है यार। जबलपुर, आई लव दिस सिटी, पता नहीं क्या हो, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले जब आया था तब मैं घूम नहीं पाया था यहाँ पे, बट अब यहाँ पे भाई मज़ा आ गया। गाइस ये देखो, ये पानी का वाला स्पॉट है जहाँ पे लोग नहा सकते हैं। ये देखो ये पानी है यहाँ पे, मैं यहाँ पर ऐसे पत्थरों पर खड़ा हुआ हूँ, और ओह माय गॉड गाइस, ओए आंटी ओ, ये गिर मत जाना, ये देखो यहाँ पर पूरा पानी। गुरुजी की बात सुनो। हाँ भैया आइए आइए, अब पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुप गई। सुन तो लो एक मिनट उनकी बात। धुआंधार था तो मनुष्य जो है उसकी फोटो खींचने में लगा था। अच्छा, अब घर जाके फोटो देख रहा है, जब धुआंधार निकल गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा अंकित महाराज, वाह।
सीन है। आ रही है सब बाहर वाले से, कोई ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि बोला अरे अरे रुक जाओ आंटी रुक जाओ, उसका मजा आया। ऐसा ही है।